हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आलम क्रिप्टो। डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, इसलिए कि इस वीडियो के अंदर एक ऐसे कॉइन के बारे में बातें करने वाला हूं जो कॉइन काफ़ी डीप के अंदर है, काफ़ी अंडरवैल्यूड है, लेकिन इसके अंदर पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कम्युनिटी काफ़ी बड़ी है, इसकी यूटिलिटी और इसका यूज़ केस काफ़ी ज़्यादा है, और डेफिनेटली ये जो प्रोजेक्ट है ये आपको लॉन्ग टर्म के अंदर यानी बुल रन के अंदर, और अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 2025 के अंदर ये जो प्रोजेक्ट है ये कम से कम अगर देखेंगे, मिनिमम अगर ये करेंगे, कंसीडर करेंगे, तो 100x का पोटेंशियल इसके अंदर दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है ये लॉन्ग टर्म के अंदर और 2025 के अंदर इससे ज़्यादा ये जा सकता है, यानी 500x, यहाँ तक के 1000x का ये पोटेंशियल लगता है। ठीक है, तो ये कौन सा प्रोजेक्ट है और इसकी प्राइस क्या है और कहाँ तक इसकी प्राइस जा सकती है, इसके बारे में हम डिटेल से बातें करने वाले हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिर तक वॉच करें ताकि सारी बातें, सारा प्रोसेस और सारा मिथरा किस्म में आ सके और इस वीडियो का कोई भी एंगल और पार्ट आपसे मिस ना होने पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जिस कॉइन के बारे में बातें करना है उसका नाम है वेरासिटी कॉइन यानी VRA कॉइन, और इसकी प्राइस प्रेडिक्शन क्या हो सकती है, ठीक है, यानी कहाँ तक इसकी प्राइस जा सकती है बुल रन के अंदर। अगर इसी करंट प्राइस देखेंगे, करंट प्राइस इस कॉइन की चल रही है 0.0, ठीक है, ये डॉलर के अंदर है, और 0.0038, ठीक है, ये इसी करंट प्राइस चल रही है। कहाँ तक जा सकता है तो अगर हम यहाँ से देखेंगे तो बुल रन के अंदर यानी 2025 के अंदर इसकी प्राइस जो टच कर सकती है, जा सकती है, वो $1 के आसपास तक जा सकती है। ठीक है, ये कम से कम है, मिनिमम है, $1 को आसानी के साथ ये टच कर जाएगी, इससे ज़्यादा जा सकती है लेकिन कम से कम $1 को जा सकती है। इसका रीज़न क्या है, वजह क्या है, क्यों $1 को टच कर जाएगी और क्यों इसके अंदर 100x या 500x या 1000x का प्रोडक्शन दिखाई दे रहा है, इसके अंदर कई चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि इसके अंदर बर्निंग हो रही है, ठीक है, यानी क्वार्टरली बर्निंग हो रही है, और 2023 के अंदर फर्स्ट क्वार्टर के अंदर भी बर्निंग हुई, सेकेंड क्वार्टर के अंदर भी बर्निंग हुई, और थर्ड क्वार्टर के अंदर भी बर्निंग होने वाली है। तो हमने देखा है कि जिस प्रोजेक्ट के अंदर बर्निंग होती है और रेगुलर तौर पर बर्निंग होती है वो प्रोजेक्ट अच्छा करता है, इसलिए हमें उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट भी अच्छा खासा आगे सर्वाइव करेगा। दूसरी चीज़ ये है, अगर देखेंगे कि इसकी जो टीम है वो रेगुलर बेसिस के ऊपर अपने प्रोजेक्ट को लेकर के काफ़ी बुलिश रहती है, और काफ़ी इसके अंदर जो भी ये है रिक्वायरमेंट होती है उसके अतबार से काम करती रहती है, तो इसलिए इसकी टीम काफ़ी एक्टिव है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, मजबूत टीम है, तो इसलिए मैं काफ़ी बुलिश हूँ इस कॉइन को लेकर के कि ये आसानी के साथ ये $1 को टच कर जाएगा। ठीक है, आपको क्या लगता है, क्या ये $1 को टच करेगा या नहीं करेगा, आप अपनी राय ज़रूर दें। तो आई होप कि आज की वीडियो को अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक चैनल बनाने को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो आपको इस तरीके की यूजफुल और इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहे। अपने सबके कमेंट्स, अपने ख्याल से जरूर आगाह करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।